मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, हरितालिका तीज की आपको बहुत शुभकामना। हरितालिका तीज कब और कैसे मनाया जाता है, क्या इसका व्रत विधान होता है और हरितालिका तीज पर कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे आपका दाम्पत्य जीवन हो जाता है एकदम से सुखद, और जिन कन्याओं के विवाह में बहुत सारी बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, वो बाधा और मुश्किल भी हो जाती है खत्म, तो कैसे हरितालिका तीज पर देवी महापार्वती भगवान शिव के साथ अपना आशीर्वाद आपको देंगी, ये आपको बताएंगे। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, और चर्चा हम करेंगे रसोई घर की उस सामग्री की जो आपके परिवार से नकारात्मकता को करेगी एकदम से नष्ट। और हर दिन की भांति एक बार आपको बात बता दूं, होगा सफलता का अचूक महा उपाय, उसे लिए बिना आज कोई कार्य आप ना करिएगा। आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम नमः। मात्र इतना सा मंत्र जाप करने से, और वह भी 27 बार जाप करने से, आपके रुके हुए कार्यों में सफलता आपको मिलने लगती है। और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जा रहे हैं, ओम नमः मंत्र का आप जाप करके जाइए, आपको सफलता मिलेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 30 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, नक्षत्र होगा हस्त, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, दोपहर 3 बजे से 4:30 के मध्य ये समय होने वाला है। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू मत करिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। दिशाशूल होगा आज उत्तर दिशा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं हरितालिका तीज की महिमा क्या है, क्या इसका महत्व है, कौन सा नक्षत्र इस दिन आने से आपका हर कार्य सफल हो जाता है। देखिए, सबसे पहले इसकी महत्ता समझते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीय तिथि होती है उसे हरितालिका व्रत के रूप में मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है ये। इस दिन हस्त नक्षत्र में विशेष तौर पे देवी पार्वती और भगवान शिव का पूजन विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि आज होता है चंद्रमा का नक्षत्र हस्त नक्षत्र। इस दिन सुहागन स्त्रियां, हमारी जो माताएं बहने हैं, वह भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना करके परम आशीर्वाद प्राप्त कर लेती हैं। बहुत ये ग्रहों की एक ऐसी युति होती है इस समय। नक्षत्र हस्त का आना, तृतीया तिथि होना, अपने आप में ये अद्भुत संयोग हो जाता है। हरितालिका तीज पर वह कुंवारी कन्या जिनके विवाह में बहुत सारे विघ्न हैं, वह भी देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके परम सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। हरितालिका तीज पर भगवान शिव की विधि विधान से की गई पूजा अर्चना करने से आपका दाम्पत्य जीवन वाद विवाद से जो घिर गया था वह हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है सुखद। तो वाद विवाद को भी खत्म कर सकता है यह व्रत, आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद कर सकता है यह व्रत। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है, सप्तम भाव पीड़ित है, देवी पार्वती की कृपा, उनके सप्तम भाव पर उनकी जब कृपा होती है तो उनके विवाह की बाधा भी खत्म हो जाती है। परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य आदि के लिए भी हरितालिका व्रत विधान किया जाता है, और यह सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भाद्रपद का महीना है, क्योंकि इसी मंथ के अंदर शुक्ल पक्ष की बात करें और अष्टमी की बात करें, तो यही जो है आने वाली अष्टमी पर बहुत महत्वपूर्ण ये तिथि हो जाती है, और तृतीय तिथि भी अपने आप में बहुत जबरदस्त ये तिथि मानी जाती है। अब हरितालिका तीज व्रत पर कैसे पूजा अर्चना करके आपको महा सौभाग्य का वरदान मिल सकता है, जरा ये भी जान लेते हैं। देखिए, हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान पूजा अर्चना जब की जाती है तो आपको सुख समृद्धि और सौहार्द का और सौभाग्य का वरदान बहुत आसानी से मिल सकता है। हरितालिका तीज पर प्रदोष काल में, जो आज शाम होगा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, उसी प्रदोष काल में रोली से, मौली से, चावल से, धूप दीप से भगवान गणपति की और देवी पार्वती की, साथ ही भोलेनाथ की पूजा आज आपको करनी है। सुहागन स्त्रियां विशेष रूप से सुहाग सामग्री का दान करेंगी, वो भी देवी पार्वती को।
देखिए ये दान कैसे किया जाता है ये भी समझ लीजिए। देवी पार्वती से स्पर्श करा के सारी सुहाग सामग्री किसी स्त्री को दान कर दी जाती है और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगा जाता है। जब आप यह सामग्री किसी स्त्री को दान करें तो माँ पार्वती का स्वरूप समझ के उनके चरणों को स्पर्श करिएगा, आशीर्वाद मांगिएगा उनसे। देखिए कितनी जल्दी यह आशीर्वाद फलीभूत होता है। सुहागन स्त्रियां विशेष रूप से इस दिन देवी पार्वती को सिंदूर अर्पण करने के बाद वह सिंदूर अपनी मांग में उनके आशीर्वाद के रूप में लगाती हैं। बहुत ये अच्छा माना जाता है। शाम के समय पूजन के बाद जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो हरितालिका तीज की कथा सुनती हैं और अपने घर के या घर के आसपास जितनी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनका आशीर्वाद लेती हैं। बहुत उत्तम ये व्रत है। हमारी माताओं बहनों को इस व्रत को करना चाहिए, परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जब देवी महा पार्वती आप पर कृपा करती हैं तो मान के चलिएगा सारी समस्याएं जो है एकदम से हो जाती हैं खत्म। कैसे समस्याओं का निराकरण होगा, कैसे समस्याएं खत्म होंगी वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए मेष वृष मिथुन का हाल। मेष राशि, आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें, बच्चों के मन में भटकाव हो सकता है। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, शुभ रंग होगा पीला। वृषभ राशि, दांपत्य जीवन में कलह बिल्कुल ना होने दें, करियर में सफलता का योग दिख रहा है। देवी सरस्वती की वंदना करें, शुभ रंग होगा गुलाबी। मिथुन राशि, पक्षियों की सेवा आपको करनी है, अपना भेद अपना क्लू जो है वो किसी को ना दें, भगवान गणपति की उपासना करें, शुभ रंग होगा गेरुआ। अब आपके साथ आपके लिए एक महा उपाय हम साझा कर रहे हैं जिससे आपको मनचाहा वरदान मिल सकता है। तो हरितालिका तीज का पर्व है आज, कैसे करना है ये आपको बताते हैं। हरितालिका व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में सुहागन स्त्रियां स्नान करके हल्के गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहने। 11 की संख्या में आपको साबुत बिलपत्र लेने हैं, उन बिलपत्र पर पीले चंदन से या तो आपको राम राम लिखना है या मात्र ओम लिखना है। अब एक आसन पर आप बैठ जाएं, एक रुद्राक्ष की माला लें और ओम गौरी शंकराय नमः, महामंत्र है ये, ओम गौरी शंकराय नमः, मात्र इस मंत्र का 108 बार एक माला के रूप में आप जाप करिएगा। जाप के बाद इन बिलपत्र को उल्टा करके आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। देवी पार्वती और भगवान शिव से अपने मनचाहे वरदान की कामना करिए। वहां पर थोड़ा समय आप बैठिए, शिवलिंग के करीब आप बैठ जाइए और यह बिलपत्र जब आप अर्पित करेंगे अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य और बच्चों के सही मार्ग पर आने की प्रार्थना भगवान शिव और देवी पार्वती से आप जरूर करेंगे। तो ये महा उपाय हमने आपके साथ साझा किया, इस उपाय को आज के दिन प्रदोष काल में आप कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। तो रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आज आपके घर से नेगेटिविटी को बाहर निकालेगी और सफलता का अचूक महा उपाय होने वाला है, बहुत खास। लेकिन पहले जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, अपने पिता की सेहत पर ध्यान दें, मदद करने में किसी की संकोच नहीं करना है, सफेद चंदन का तिलक करें, शुभ रंग होगा आसमानी। बात करते हैं सिंह राशि की, अपने घर की रखरखाव पर आपको ध्यान देना होगा, भाई से अलगाव हो सकता है, आज के दिन सूर्य नमस्कार करें, शुभ रंग होगा कत्थई। बात करते हैं कन्या राशि की, विद्यार्थी शिक्षा पर ध्यान दें, नए अवसर की प्राप्ति होगी, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, शुभ रंग है आज के लिए नीला। तो मित्रों अब समय हो चला है आपके प्रश्नों का जवाब देने का। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9643333444, इस नंबर पे अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए, उन हर प्रश्न को लिया जाएगा जो वाकई में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। तो आज हमसे प्रश्न पूछा है महेश श्रीगिरी ने, ये बेंगलोर से हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनके बेटे की शादी कब होगी, क्या पत्रिका में कोई दोष तो नहीं है।
महेश जी सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके बेटे का कन्या लग्न है और कुंभ राशि है। कुंडली में सप्तमेश गुरु राहु के द्वारा पीड़ित है, तो इसी कारण उनके विवाह में विलंब हो रहा है। देखिए, बता तो हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन जो आप उपाय आपको बताया जाए उस उपाय का भी आप सहारा लीजिएगा, फायदा बहुत होगा। कुंडली में सप्तम भाव का कारक शुक्र भी मेष राशि में और अष्टम भाव में होने से ये विवाह की समस्या बन गई है। देखिए, सप्तम भाव का जो कारक जो होता है पुरुषों की कुंडली में, वह शुक्र होता है। वह यदि पीड़ित हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आती है, और इसी के साथ साथ कभी कभी तो विवाह होने में ही विलंब हो जाता है। तो ऐसी समस्या महेश जी आपके बेटे की पत्रिका में बनी हुई है। क्या करना है? शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शाम के समय गाय को आप ज्वार खिलाइएगा, और हो सके तो 10 से 12 रत्ती तक का एक शुद्ध ओपल शुक्रवार की शाम चांदी में अपने बेटे को धारण करा दीजिए, लॉकेट के रूप में या अंगूठी के रूप में, जैसा आप चाहें। उनके विवाह की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी दर्शक जुड़ी हमारे साथ, गीताली बोहरा आसाम से हैं। बहुत स्वागत है आपका गीताली। गीताली कह रही हैं कि बीमारियां जो हैं इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, और धन को लेकर भी ये थोड़ा चिंतित हैं, कोई उपाय बताएं। गीताली, सबसे पहले आपको बता दूं, मीन लग्न और मिथुन राशि की हैं आप। लग्नेश बृहस्पति शत्रु राशि में होने के कारण आपकी स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। देखिए, जब लग्नेश पापी ग्रहों के साथ युति करने लगे, शत्रु राशि में आ जाए, तो अक्सर बीमार आप रहने लगते हैं। अपने लग्नेश को बलवान करिए, और लग्न का कारक जो सूर्य होता है उसे भी बलवान करिए। मिथुन राशि से पंचम भाव में पापी ग्रहों की युति आपकी पेट की समस्या बहुत ज्यादा बना रही है, और वह आपको परेशान भी करेगी। क्या करें इन समस्याओं से जो है बचने के लिए? देखिए, शुक्ल पक्ष के सोमवार का आपको व्रत रखना होगा। सोमवार की शाम कच्चे दूध में जो है थोड़ा सा काला तिल मिलाकर शिवलिंग का आप अभिषेक कर दें, स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाएंगी खत्म। इसी के साथ ही घर के ईशान कोण में भगवान शिव का आपको एक चित्र भी लगाना है, और पीले रंग के वस्त्र में थोड़ी सी पीली सरसों बांधकर आप वहां रख दीजिए। आपकी बहुत सारी धन की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो जैसे महेश जी या गीताली जी हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही आप भी जुड़ सकते हैं। आपके प्रश्नों का भी बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। हमारा नंबर आप नोट करें, 9643333444। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा, मित्र को मनाने का प्रयास करें, घी का दान करें, शुभ रंग होगा हरा। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा को टाल दें तो आज बेहतर होगा। प्रेम में सफलता का योग दिख रहा है, लाल फल का दान कर दीजिए, शुभ रंग है आज के लिए सफेद। बात करते हैं धनु राशि की। मन में खुशी की लहर दौड़ने वाली है, घर के बड़ों की सलाह जरूर लीजिए, आज के दिन मिश्री का दान करें, शुभ रंग है नारंगी। मित्रों, बात होगी उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिवस है उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। देखिए, जिन लोगों का आज जन्मदिन है, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी समस्याएं खत्म करने आ रहा है। तो इस वर्ष तो बहुत सारी समस्या आपकी स्वास्थ्य की खत्म होता हुआ समझिए आप, लेकिन इस वर्ष अपने रोजगार या कार्य में कोई बदलाव मत करिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिए इस बात का। यह वर्ष आपके घर की साज सज्जा पर और सामान पर बहुत सा खर्च करवाने वाला है, थोड़ा खर्चा भी होगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। ये आप शुक्रवार की शाम से आरंभ कर सकते हैं, और प्रतिदिन शाम के समय आप इस स्तोत्र का पाठ करें। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आपका दिन शुभ रहेगा, कामकाज में ध्यान जरूर लगाएं, दही का दान करें, शुभ रंग है आसमानी। कुंभ राशि, संतान की सेहत पर आपको ध्यान देना होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं,
शक्कर का दान करें, शुभ रंग है गुलाबी। बात करते हैं मीन राशि की। मित्र पर अकारण गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, उससे बात मत बिगाड़िए अपने मित्र से, बना के रखिए। परिवार में शुभ कार्य होंगे, पीले मीठे चावल का दान कर दीजिए, शुभ रंग है आज के लिए सफेद। मित्रों अब समय हो चला है सफलता के अचूक महाउपाय को आपके साथ साझा करने का। आज सफलता के अचूक महाउपाय में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो क्या करना है प्रयोग। आज सफलता के अचूक महाउपाय में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो क्या करना है प्रयोग। भाई एक मुट्ठी साबुत मूंग भिगोकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, आपका कार्य सफल हो जाएगा। आप बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि वो बार बार चोटिल हो रही हैं, बार बार चोट उनको लग जाती है, भाई बहुत वेदना होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, क्या करें बचने के लिए। एक गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप उसका सेवन करिए, दर्द भी गायब हो जाएगा और आप स्वस्थ जरूर होंगी। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। आज अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा जिसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं, उस दिशा में घी का एक दीपक जला दीजिए, धन का भी फायदा होगा, मान सम्मान का भी आपको फायदा होगा। अब आपके साथ बात करेंगे हम रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा के लिए जा सकती है। क्या करना है और कौन सी वो सामग्री है तो समझ लीजिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रसोई घर से सफेद तिल। कैसे प्रयोग में करना है, गाय के गोबर से बना हुआ एक छोटा सा उपला आप ले आइए, या आपके पास पहले से रखा हो तो उसे इस्तेमाल कर लीजिए। उस उपले पर, जलते हुए उपले पर जब वो पक जाए तो आप उस तिल को 2-3 चुटकी की संख्या में जो है आप उस तिल को उस उपले पर डाल दीजिए। मात्र इतना सा करने से आप देखेंगे उसका स्मोक, उसका धुआं पूरे घर में दिखाइए कि आपके घर से नेगेटिविटी कम होने लगी है। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि हरितालिका तीज पर हमारी माताएं बहनें कैसे व्रत विधान कर सकती हैं। वह कन्या जिनके विवाह में बहुत सारी समस्याएं हैं उनका भी कल्याण होगा, भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती उन पर भी असीम कृपा आज जरूर बरसाएंगे। बस छोटे से इस उपाय को आप कर लीजिएगा ताकि हो जाएं आप उनकी आशीर्वाद से, उनके परम आशीर्वाद से सराबोर। तो इस उपाय को हो सके तो अपने मित्रों के साथ, अपने सखा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करिएगा ताकि देवी पार्वती की कृपा उन पर भी हो। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।